भाजपा सरकार ने सरकार में आने के बाद कई दावे और वादे किए थे कि महिला सशक्तिकरण की बात कही थी और महिलाओं के होने वाले अपराध पर रोकथाम पूरी तरीके से लगाई जाएगी, ऐसे कुछ दावे और वादे किए थे। लेकिन यह जमीनी हकीकत में कितने सच होते दिखाई दे रहे हैं, इसी पर खास बातचीत के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेसी नेता बबीता गुज्जर। उनसे जानते हैं कि क्या वाकई भाजपा ने जो दावे किए थे वो जमीनी हकीकत पर सच होते दिखाई दे रहे हैं या नहीं। मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल। नमस्कार मैम, जिस तरीके से भाजपा सरकार ने दावे किए थे महिलाओं की रोकथाम अपराध को रोका जाएगा, क्या मानती हैं कि जमीनी नहीं, बिल्कुल नहीं सर, जमीनी हकीकत पे बिल्कुल जीरो है, शून्य है। और इस तरह से जिस तरह से एक डर होना चाहिए, खौफ होना चाहिए, भाजपा की नीति थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके तहत तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि हमारी छोटी बच्चियों से लेके युवतियों तक इतनी परेशान है कि अगर मन चले उन्हें परेशान करते हैं स्कूल जाते हुए, तो बच्चियां अपनी पढ़ाई रोक के घर में रहना ज्यादा पसंद करती हैं। छोटे बच्चियों को अगर कोई छेड़छाड़ी करता है और उसके घर वाले विरोध पे आते हैं, तो जो दबंग है वो उनके घर वालों पर हमला करते हैं, तो घर वाले भी कहाँ तक महफूज हैं, और वो बच्ची तो कल को निकल ही नहीं सकेगी, तो वो अपनी पढ़ाई या अपनी अपना कैरियर कैसे बना पाएगी। तो भाजपा सरकार को इतनी तो शर्म होनी चाहिए, इतना तो पता लगाना चाहिए कि कौन से थाने में कौन से क्षेत्र में क्या कुछ हो रहा है, उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए। बच्चों को एक अच्छी सहूलियत का माहौल देना चाहिए, जो बिना डरे एक निर्भय जिसमें जिंदगी जी सके इंसान, बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। तो ये तो जब तक वो लोन ऑर्डर टाइट नहीं करेंगे, लोगों के बीच में नहीं जाएंगे, लोगों के अंदर दहशत पैदा करने का कानून नहीं लेके आएंगे और उसको करके नहीं दिखाएंगे, सबसे बड़ी चीज है कि उसको जामा नहीं पहनाएंगे करने का, तब तक वो अपराध खत्म नहीं होंगे। भाजपा सरकार लगातार चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि हमारी सरकार में महिलाएं अपने आप को महफूस मानती है, आप भी एक महिला है, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, आप अपने आप को कितना महफूस मानती है? देखिए, हम लोग तो ये बात है कि एक परिवार है, नेतागिरी है, वो एक अलग चीज है, एक आदमी का सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो एक हर महिला में अलग अलग होता है। लेकिन अगर मैं एक आम बात करूं एक आम महिला के लिए, तो जिस तरह से वो सड़क पे जा रही है, ऑटो वाले से बात कर रही है, वो किसी बस में जा रही है, तो आज की महिला महफूज नहीं है, आज भी महफूज नहीं है, क्योंकि कोई भी आदमी आता है, छेड़ा छाड़ी करता है, कई कई बार डर जाता है। जैसे कि अभी हम हाल उदाहरण दिया कि अगर वो महिला शिकायत करती है तो उसके घर वालों को मार पिटाई की शिकार होना पड़ता है, और अगर वो कुछ और ज्यादा करती है तो उसको अपमानित किया जाता है, तो महफूज नहीं है आज की महिला भी। इसीलिए सरकार को और खासकर पुलिस प्रशासन को इस पर ध्यान देके उन मंचलों को सबक सिखाना चाहिए, सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। क्या एक्शन सरकार को लेना चाहिए कि मंचलों पर कार्रवाई हो ताकि इन लोगों में दहशत फैले और महिलाओं पर हो रहे अपराध को पूरी तरीके से रोका जा सके? ये तो काम पुलिस ही कर सकती है, ठीक है, मुख्यमंत्री जी ऑर्डर दे सकते हैं, महिला शिकायत कर सकती है। पहली बात तो शिकायत करना ही बहुत भारी चीज है, लेकिन अगर कोई महिला अपनी इज्जत दांव पे लगा के अपनी बात कह रही है तो इसका मतलब बड़ी चीज है। तो इसमें यही होना चाहिए कि उसको तुरंत, महिला ने जो कहा है उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। दो चार को आप अंदर डालोगे, उन्हें सख्त सजा दोगे, उन्हें उन पे कुछ इस तरह की कानून व्यवस्था, उन मारना पीटना करोगे तो दहशत आएगी और वो कंट्रोल में आ जाएगी बातें। तो ये थी हमारे साथ कांग्रेस नेता बबीता गुज्जर, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सरकार को कोई एक मुहिम चलानी चाहिए इन मंचलों के खिलाफ, ताकि इन लोगों में एक दहशत का माहौल पैदा हो सके और हमारे घर की महिला और बेटियां सुरक्षित महसूस कर सके। कैमरामैन शाहिद के साथ मैं तबलीग, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, मेरठ।